तो गाइस आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाला है भाई। बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा। क्यों यार आज के वीडियो में ऐसा क्या होने वाला है भाई? देखो यार आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हेडशॉट खाने से कैसे बचे। नहीं मतलब आप लोगों ने यूट्यूब में तो कहीं सारे वीडियोस देखे होंगे कि हेडशॉट कैसे मारे, चाहे वन टैप हेडशॉट हो या फिर ड्रैग हेडशॉट हो, लेकिन कोई भी यूट्यूबर्स ये नहीं बताता कि हेडशॉट से बचे कैसे। मतलब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो मानो कि आप लोग किसी एनिमी के साथ फाइट कर रहे हो, तो उस सिचुएशन पे अगर एनिमी आपको हेडशॉट मार देता है तो वहाँ पे आप लोग क्विकली डाउन हो जाओगे और आप लोग वो मैच इजिली हार जाओगे। लेकिन पे अगर आप लोग ये जान जाओगे कि हेडशॉट से कैसे बचे, तो वहां पे आप लोग हेडशॉट खाने से बच सकते हो और आप लोग इजीली जीत सकते हो। तो भाई आज के वीडियो में वही बताने वाला हूं कि हेडशॉट से कैसे आप लोग बच सकते हो। लेकिन यार उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आप लोग यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हो भाई, इतने बंदों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को। मतलब अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देते तो भाई शायद आज हम लोग अज्जू भाई से भी आगे चले जाते। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं यार मजाक कर रहा था भाई। तो यार देखो यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, तो भाई सब्सक्राइब कर लो। और देखो सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यार जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा ना सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखो यार मानो कि आप लोग किसी एनिमी के साथ फाइट कर रहे हो और वहाँ पे जो एनिमी है, एनिमी अभी बिल्कुल 90 डिग्री एंगल में खड़ा है। अब देखो आप लोग एनिमी के साथ फाइट कर रहे हो और उस सिचुएशन पे आप लोगों ने सोचा कि अभी के टाइम पे हमें यहाँ से भाग के जाना है, क्योंकि आसपास में कोई अच्छा खासा कवर भी नहीं है और आपके पास ग्लोअल भी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे सोचा कि आपको यहाँ पे भाग के जाना है। तो वहाँ पे आपको कैसे भागना है? वहाँ पे आपको बिल्कुल 180 डिग्री एंगल में भागना है। हाँ भाई, चाहे आप लोग लेफ्ट साइड में भाग रहे हो या फिर राइट साइड में भाग रहे हो, तो वहाँ पे आपको ऑलवेज 180 डिग्री एंगल में भागना है। अब देखो अगर आप लोग 180 डिग्री एंगल में भागते हो तो वहां पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो यार सबसे पहली बात तो हम सभी लोगों को पता है कि जब भी कोई रनिंग एनिमी को हम लोग हेडशॉट मारने जाते हैं, चाहे वन टैप हेडशॉट हो या फिर ड्रैग हेडशॉट हो, तो वहां पे भाई हमारा जो गन है, हमारा गन रिकॉयल मारता है, हमारा एम बहुत ही ज्यादा रिकॉयल मारता है, जिससे हमारा हेडशॉट काफी टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। अब देखो जब आप लोग बिल्कुल 180 डिग्री में भागोगे ना, तो वहां पे भाई हेडशॉट मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब देखो यार सामने वाला प्लेयर अगर बहुत ही अच्छा खासा लेवल का प्लेयर है तो शायद वो बंदा हेडशॉट मार दे, लेकिन यार 90% चांस ऐसा होता है कि जब हम लोग 180 डिग्री एंगल में भागते तो वहां पे हमें हेडशॉट नहीं लगता है। तो भाई अगर आप लोग हेडशॉट खाने से बचना चाहते हो तो आपको ऑलवेज 180 डिग्री एंगल में ही भागना है, तभी आप लोग हेडशॉट खाने से बच सकते हो। अब देखो जब भी हम लोग प्रो प्लेयर्स का क्लोज रेंज का फाइट देखते हैं तो वहाँ पे वो बंदा लगातार मूवमेंट करता है। अब देखो यार ऐसा वो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप लोग क्लोज रेंज फाइट में मूवमेंट करते रहोगे तो भाई चाहे वो बंदा हैकर हो या फिर अच्छा खासा प्रो प्लेयर हो, कोई भी आपको हेडशॉट नहीं मार पाएगा। अब देखो यार मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ जिगजैग कर रहे हो, नहीं भाई ऐसा नहीं है। आपको एनिमी को डॉज करना पड़ेगा, जितना हो सके उतना एनिमी के क्लोज में आपको जाना पड़ेगा, तभी आप लोग हेडशॉट खाने से बच सकते हो। अगर आप लोग एनिमी को मौका दोगे, थोड़ा सा रेंज बढ़ा दोगे, तो वहां पे एनिमी आपको हेडशॉट मार देगा बहुत ही इजीली, चाहे वन टैप हेडशॉट हो या फिर ड्रैग हेडशॉट हो। तो आपको ये टिप्स हमेशा फॉलो करना है। अगर आप लोग हेडशॉट खाने से बचना चाहते हो तो आपको हमेशा एनिमी के क्लोज रेंज में घूमना है और वहां पे आपको मूवमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग खड़े होके भाई फायर कर रहे हो या फिर आप लोग थोड़ा सा रेंज में चले गए, मतलब थोड़ा सा मिड रेंज में चले गए, ऐसा गलती मत करना वरना आप लोग हेडशॉट खा जाओगे। भाई ये टिप्स तो हर एक प्रो प्लेयर्स यूज़ करता है, भाई हर एक प्रो प्लेयर्स यूज़ करता है। जब हम लोग उनका गेम प्ले देखते तो वहाँ पे देखते कि ये टिप्स वो लोग यूज़ कर रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि क्यों वो लोग ये टिप्स यूज़ करता है। भाई देखो इस टिप्स में आपको करना क्या है अच्छे से समझ लो। देखो यार मानो कि आप लोग, पहले मैं आपको वन टैप के गन में बताता हूँ। मानो कि आप लोग किसी भी एनिमी को वन टैप मारने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हो कि बंदे को वन टैप मारने की कोशिश करें और फिर वहाँ पे आप लोग रुक जाते हो, फिर से आप लोग उसी पोजीशन से एनिमी को वन टैप मारने की कोशिश करते हो, जो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो। लेकिन आप लोग किसी भी प्रो प्लेयर का गेम प्ले देख लो, वो लोग क्या करते हैं कि पहले तो वन टैप मारने की कोशिश करा, वहाँ पे उनका वन टैप लगा या फिर नहीं लगा भाई उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो लोग क्या करते कि फिस्ट में स्विच कर देते और फिर स्प्रिंटिंग बटन को प्रेस करके वो लोग 180 डिग्री एंगल में भागते और फिर से गन स्विच करके गन को हाथ में लाते और फिर से वन टैप मारने की कोशिश करते। फिर आप लोगों ने तो ये चीज को कई बार देखा होगा लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा कि भाई ये लोग ऐसा क्यों करते, क्योंकि इससे
जिससे वो लोग हेडशॉट खाने से बच जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग ये टिप्स फॉलो करता है। अब देखो, अगर आप लोग ड्रैग गन यूज़ कर रहे हो या फिर आप लोग किसी भी प्रो प्लेयर का गेम प्ले देख लेना, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि ड्रैग गन में तो भाई आप लोग सिर्फ एक गोली फायर करोगे, ऐसा नहीं है ना। ड्रैग गन में आपको भाई मैक्सिमम 5 से 7 बुलेट एक साथ फायर करना पड़ता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यार, मानो कि आप लोग किसी भी एनिमी को ड्रैग मार रहे हो, 5 से 7 गोली एक साथ फायर कर दिए और वहाँ पर आपका हेडशॉट नहीं लगा, तो वहाँ पर तुरंत आपको फिस्ट में स्विच करना है और फिर आपको स्प्रिंटिंग बटन को प्रेस करके 180 डिग्री एंगल में भागना है और फिर से आपको गन स्विच करके वही सेम प्रोसेस करना है। तो अगर आप लोग ऐसे करते जाओगे ना, तो भाई कोई भी एनिमी आपको हेडशॉट नहीं मार पाएगा, आप लोग हेडशॉट खाने से बच सकते हो, क्योंकि हर एक प्रो प्लेयर यही टिप्स का फॉलो करके हेडशॉट खाने से बच जाता है, लेकिन आप लोग नहीं बच पाते। तो भाई आपको ये टिप्स तो फॉलो जरूर करना है। तो यार अभी बात करते हैं हमारे मेन इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में, जिसके वजह से आप लोग हमेशा हेडशॉट खा जाते हो एनिमी से, चाहे वन टैप हेडशॉट हो या फिर ड्रैग हेडशॉट हो। वो कौन सा मिस्टेक है जो आपको कभी भी नहीं करना है और वही मिस्टेक आप लोग सबसे ज़्यादा करते हो, जो कि है जंप। हाँ भाई, आप लोगों ने सही सुना, जंप के वजह से ही आप लोग हेडशॉट खा जाते हो। मतलब आप लोग मानो कि किसी भी एनिमी के साथ फाइट कर रहे हो और वो बंदा चाहे वन टैप चला रहा है या फिर ड्रैग चला रहा है, जब आप लोग जंप करके हवा में आते हो ना, जब आपका कैरेक्टर हवा में आता है, तो उस सिचुएशन पे अगर कोई भी एनिमी आपको वन टैप या फिर ड्रैग मारने की कोशिश करेगा ना, तो यार उस बंदे का एम डायरेक्ट आपके हेड में जाके लॉक होगा। हाँ भाई, डायरेक्ट आपके हेड में जाके लॉक होगा और उसका वन टैप हेडशॉट या फिर ड्रैग हेडशॉट बहुत इजीली वर्क कर जाएगा। अब देखो, यहाँ पे आप लोग शायद सोच रहे होगे, चल यार क्या बता रहा है यार, मतलब कुछ भी बता रहा है यार, कुछ भी हमें सिखा रहा है। तो चलो यार, मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा के प्रूफ दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग पहली वाली वीडियो क्लिप में तो देखो, यहाँ पे जो बंदा है, बंदे का कैरेक्टर यहाँ पे हवा में है, तो यहाँ पे मैं वन टैप मारने की कोशिश किया और मेरा वन टैप बहुत ही इजीली वर्क कर गया। आप देखो, आप लोग दूसरा वाला क्लिप देखो, आप लोग यहाँ पे हर एक क्लिप देखते जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक वीडियो क्लिप को छोटा छोटा क्लिप बना के रखा हूँ। आप लोग ध्यान से देखो, हर एक क्लिप में आपको एक ही चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे जो एनिमी का कैरेक्टर है, एनिमी का कैरेक्टर यहाँ पे हवा में है, जिसके वजह से मेरा जो हेडशॉट है बहुत ही इजीली वर्क कर जा रहा है। तो भाई यहाँ से आपको क्या पता चला कि अगर आप लोगों को हेडशॉट खाने से बचना है, तो आपको जंप बहुत ही कम करना है, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा जंप करोगे उतना ही चांसेस रह जाएगा एनिमी के पास, भाई चांसेस इंक्रीज हो जाएगा कि वो बंदा आपको हेडशॉट इजीली मार देगा, ठीक है ना। तो आपको जंप बहुत ही कम करना है, क्योंकि आप लोग जंप अगर करोगे तो कोई भी एनिमी भाई, चाहे नुबड़ा हो, बॉट हो, जो भी है, आपको बहुत ही इजीली हेडशॉट मार देगा। तो अगर आप लोग हेडशॉट खाने से बचना चाहते हो, तो आपको जंप बहुत ही कम करना पड़ेगा। तो गाइस यार, शायद आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि ऐसे यूनिक वीडियो सिर्फ मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ही बोलता हूँ कि चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को बिल्कुल ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएगा। और भाई मैं हर दिन वीडियो अपलोड करता हूं, ठीक है ना। तो भाई इसलिए बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा होने वाला है यार, कर लो भाई।